सत्ता बदलो भाग्य बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं बार बार अपने वीडियो में ये कह रहा था कौन बनेगा बिहार का सुल्तान, और आज मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार का सुल्तान। पूरी रिपोर्टिंग हमने देख ली है, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और चुनाव पूर्व हमने एक महा ओपिनियन पोल दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि 32 से 35 सीट एनडीए को आएगी और 40 में 39 सीट आई। बहुजन समाज के बहुत सारे मित्र, आरजेडी कार्यकर्ता काफी विरोध कर रहे थे, बहुत तरह के कमेंट किए थे, परंतु आज मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और पूरे राज्य की फिजा बदल गई है। एक ही बात लोग कहते हैं, ओनली फॉर तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इस तरह के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल उलट हो गया और तेजस्वी यादव ने बड़ी बारीकी से अपना गठबंधन तैयार किया। बड़ा भाई बने, उसके साथ कांग्रेस को जोड़ लिया, वाम दल को अच्छी खासी सीट देकर पटा लिया और एक मजबूत गठबंधन है। इनके कैंडिडेट घर घर जाकर और ऐसी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से तैयारी है चुनाव की कि क्लीन स्वैप होने की संभावना है। उधर एनडीए में जब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता नामांकन करते हैं, वहां पर नारे लगते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और प्रत्याशी जब लोगों के बीच जाते हैं वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी को मजबूत बनाइए, झोपड़ी छाप पर वोट दीजिए, बंगला छाप पर वोट दीजिए, इस तरह की बातें होती है। बीजेपी वाले कहते हैं यार जान छोड़ो, हम तुमसे दूर हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, एनडीए के तुम हिस्सा नहीं हो, तुम वोट कटवाओ। और इस तरह से पहले सुशील मोदी, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, सबके सब सफाई के मोड में आ रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये भोटकटवा पार्टी है। उधर तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और अपनी प्रेस वार्ता में साफ साफ कहा कि ठेठ बिहारी हूं, जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। अगर कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा तो पहली कैबिनेट में ही पास करूंगा और नौकरियां दूंगा, समान काम और समान वेतन ये मेरा मुद्दा है, और हमारे पास रोजगार के विजन है, पूरे बिहार को बदलना चाहता हूं। बिहार वासियों से एक ही अपील है कि वो हमें साथ दें, बिहार को बदलने में साथ दें। और इस तरह से काफी भावनात्मक वो अपील करते हैं और आम जनता उनके साथ जुड़ जाती है। मैं ये कह सकता हूं कि लोगों की भावनाएं अब तेजस्वी यादव के साथ है। रही बात ये पूरे बिहार की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली का इंतजार है कि मोदी जी क्या कहते हैं, चिराग पासवान के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा क्लैरिटी देंगे अथवा चुप्पी साध लेंगे लोजपा के नाम पे। लोजपा और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि लोजपा कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता ये कह रहे हैं एलजेपी ही बीजेपी है और बीजेपी ही एलजेपी है। इसमें राज्य की जनता क्या करे, मतदाता क्या करे, किसको वोट दे। उधर तेजस्वी यादव यानी यूपीए गठबंधन पूरी तैयारी के साथ घर घर अपना जो है कार्यकर्ता को सेट करती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सब के सब एनडीए वाले की जमानत न जब्त हो जाए, ये नजारा दिख रहा है। जब हमने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से सवाल कर दिया कि 15 साल के शासन में नीतीश जी ने बहुत कुछ बनाए और उससे पहले 15 साल में कुछ नहीं था, तो राबड़ी देवी जी कहते हैं कि पटना का गोलघर नीतीश कुमार जी ने बनाए, गांधी सेतु जो है वो नीतीश कुमार जी ने ही बनाए, और आपका जो है वो बेगूसराय का राजेंद्र पुल का मरम्मत भी जो है नीतीश कुमार ही करवा दिए, जो आज भी उसके ऊपर बैरियर लगा हुआ है और बड़ी गाड़ी नहीं चल सकती। राज्य में ऐसा कौन सा काम किया नीतीश कुमार जी, ये ही बता दीजिए। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का व्यवस्था ठीक किए या बालिका गृह कांड का फैसला करा दिए, बहुत सारे सवाल उन्होंने दाग दिए, हम स्तब्ध रह गए। आम जनता से जब पूछा कि शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने ठीक किया
तो आम जनता कहती है कि स्कूल का भवन बनाने से शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है या सुयोग शिक्षक के वहां पर डालने से शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है। कहने का मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर तो है नहीं, मकान पे मकान बनाए जा रहे हो उसके ऊपर शिक्षा मंदिर लिख देते हो, ये तो शिक्षा मंदिर नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा मंदिर में शिक्षकों का योग्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पता कर लीजिए सारे स्कूलों में बच्चे की स्तर क्या है, पहले कितने आईएएस आईपीएस बिहार से निकलते थे, अब कितने निकलते हैं। और जब शिक्षा व्यवस्था ठीक ही है तो हमारे बच्चे कोटा राजस्थान क्यों जाते हैं, इसका जवाब नीतीश कुमार दे दें। कहने का मतलब काउंटर बड़ी जबरदस्त हो रही है और एक लहर चल चुकी है कि विपक्ष को जो है सत्ता में लाना है, यानी भाग्य बदलना है तो सत्ता बदलो, ये नारा पूरे बिहार में चल रहा है। और आपको यकीन करना होगा जो हम देखते हैं वही आपको बताते हैं, वही दिखाते हैं, रिजल्ट भी करीब करीब ऐसा ही आने वाला है। उधर 23 अक्टूबर को बहन मायावती जी की भव्य रैली है भभुआ में, और जो भी गठबंधन है छोटे मोटे सब के सब अपनी अपनी जोर लगा चुकी है और सब के सब रैली करती जा रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।